सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर के प्रमुख हलचल। डिजियाना हलचल के प्रायोजक है रॉयल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन रतलाम। We are Royal Group of Institutions. Preparing students for success in a changing world is what we offer. Ratlam ka sabse bhavya, surakshit aur eco-friendly green campus. AICTE, PCI, NCTE New Delhi evam Uchcha Shiksha Vibhag, Madhya Pradesh Shasan dwara manyata prapt. Aur Vikram University Ujjain, tatha Rajiv Gandhi Pradyogiki Vishwavidyalaya Bhopal se sambandh. Providing quality education, best university results, scholarships for SCST, OBC and minority students. Courses offered MBA, B-Pharmacy, BBA, BCA, BSc, Microbiology, Pharmaceutical Chemistry, Computer Science and BCom, Computer Application, Foreign Trade, Tax Procedure, Plain. For admission and registration, contact Royal Group of Institutions. Gram Sala Khedi, Mahu Neemach Road, Ratlam. City Office, Sevai Palace, Mahu Road, Ratlam. शहरसराय स्थित एक दुकान के बाहर खड़े युवक से स्टेशन रोड थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान किए 15,80,000 रुपए जब्त। पुलिस कर रही मामले की जांच। तेज गति व लापरवाही के कारण फिर हुआ हादसा घटित। कुरेशी मंडी में तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक पिकअप वाहन चलाते हुए एक बाइक सवार के साथ पैदल बालिका को वाहन ने मारी टक्कर। बालिका की हुई मौके पर ही मौत, युवक गंभीर घायल। नगरी चुनाव की घोषणा होने के साथ कांग्रेस पार्टी ने पढ़ाया कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, एकजुट होकर लड़े तो नगर में बनेगा कांग्रेस का बोर्ड। मातृ एवं शिशु इकाई MCH में हुआ विचित्र बच्चे का जन्म। डॉक्टर ने कहा, जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से एलिस जैसा दिख रहा बच्चा। विचित्र बच्चा बना शहर में चर्चा का विषय। शहरसराय से पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक से लाखों रुपए बरामद किए हैं। स्टेशन रोड थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर में नगरी निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। शहरसराय में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति के पास से 16,00,000 के करीब रुपए नकदी से भरा बैग बरामद किया है। मामले की जानकारी देते हुए CSP हेमंत चौहान ने बताया कि शहरसराय क्षेत्र में थैले के साथ खड़े एक व्यक्ति की गतिविधि कुछ संदिग्ध लगने पर थैला चेक किया गया तो उसमें लाखों रुपए नकद मिले। थैले में 15,80,000 रुपए के लगभग नोट थे। पूछताछ में उक्त व्यक्ति ने किसी अन्य के यहाँ नौकरी करना बताया है, जिस पर पुलिस ने बताए गए पते पर पहुंचकर संबंधित व्यक्ति और वहां कार्य कर रहे दो अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया है। CSP हेमंत चौहान ने बताया कि चारों व्यक्तियों ने रुपए के बारे में पूछा गया, लेकिन वह संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। CSP हेमंत चौहान ने जानकारी देते हुए बताया, बताना चाहूंगा आपको, अभी शहर में पुलिस द्वारा लगातार संदिग्धों की चेकिंग की जा रही है। सुबह भी टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी तारतम्य में शहरसराय के पास में वृंदावन बेकरी के पास में गली में कोई एक व्यक्ति थैला पकड़े दिखाई दिया। उससे पूछताछ करने पर उसके थैले में कुछ पैसे मिले, संजय नाम का व्यक्ति बताया गया। ये उससे पूछताछ करने पर उस पैसों के विषय में संदेश संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। उसने बताया कि वो मनीष पटवा नाम के व्यक्ति के यहाँ काम करता है। मनीष पटवा के यहाँ जाने पर मनीष पटवा, ये दिनेश, दीपक और चौथा संजय, तो वहाँ पर और तीन थैले मिले और टोटल थैलों में से उसमें भी चेक किए तो पैसे मिले। कुल उसमें काउंटिंग करने पर 15,80,000 के लगभग इसमें कुछ ये राशि मिली है। उनसे जब पूछताछ की गई तो कोई भी संदेह संतोषप्रद वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं उसमें। तो उसमें उसमें प्रथम दृष्टया उसमें चूंकि संदेहास्पद वो संपत्ति है तो उसको जब्त किया गया पुलिस के द्वारा और उसमें इनकम टैक्स विभाग को विधिवत सूचना दी गई। पुलिस ने मामले की सूचना आयकर विभाग को भी दी है। मामला हवाला कारोबार से जुड़े होने की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही अधिकृत रूप से कुछ कहा जा सकता है। तेज रफ्तार लोडिंग वाहन ने एक मोटरसाइकिल और पैदल जा रही बालिका को टक्कर मार दी। लोडिंग वाहन से कुचलने से 12 वर्षीय बालिका की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर घायल हो गया। लोहा रोड क्षेत्र के कुरेशी मंडी में आज सुबह एक तेज रफ्तार लोडिंग वाहन ने एक मोटरसाइकिल और पैदल जा रही बालिका को टक्कर मार दी। लोडिंग वाहन से कुचलने से 12 वर्षीय बालिका की मौके पर ही मौत हो गई।
मृतक बालिका का नाम मोमेशा कुरेशी है, जो मदरसे पर पढ़ने जा रही थी। वहीं इस हादसे में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गया। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। आसपास के रहवासियों ने घायल व्यक्ति और बालिका को जिला अस्पताल पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि लोडिंग वाहन चालक तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था, जिसकी चपेट में एक मोटरसाइकिल चालक, पैदल जा रही बालिका और सड़क किनारे खड़े व्यक्ति आ गए। इस हादसे में 12 वर्षीय बालिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल भूरा कुरेशी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। माणकचौक थाना पुलिस ने लोडिंग वाहन जब्त कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। घायल ने जानकारी देते हुए बताया, साइड में बैठा हुआ था, तो बका पे बैठे हुए थे छोटे बेचारे, तो उधर से एकदम इतना रफ आ रहा हो, तो मैंने स्पीड आ रहा हुआ, एक स्कूटर को ठोकी, उसको ठोकने के बाद फिर एक गाड़ी वाले को ठोके, तो उसके बाद वो टेम्पो थी, तो मैंने थोड़ा देखो यार, उसको ठोक कर फिर गाड़ी के पास में लिकलने लग रहा, तो वहाँ तक गया, फिर वो रास्ता रुक गया, तो मुझे भागने का जगह नहीं मिला, एक पल भर थी इधर का तो काम हुआ। कुरेशी मंडी में सड़क हादसे में बालिका की मौत हो जाने के बाद क्षेत्रीय निवासियों ने यातायात विभाग के जिम्मेदारों पर सवाल खड़े कर दिए। लगातार हो रहे यातायात के नियमों की अनदेखी की वजह से हर दिन कहीं ना कहीं लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। क्षेत्रीय निवासियों की माने तो उन्होंने क्षेत्र के व्यापारी एवं यातायात पुलिस कर्मियों को कई बार जानकारी दी थी कि क्षेत्र में सुबह व दिन के समय भी भारी यातायात का दबाव रहता है एवं लोडिंग वाहन भी इस क्षेत्र में आते रहते हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में लगातार हादसे का भय बना रहता है। बावजूद इसके ना तो व्यापारियों ने इस ओर ध्यान दिया और न ही जिम्मेदारों ने। लगातार नियमों की अनदेखी होने की वजह से जिसका भय था वह भी हो गया और हादसे में एक युवक घायल हो गया, वहीं 12 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। क्षेत्रीय निवासी ने क्षेत्र में यातायात से होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया, मेन रोड पे लोहार रोड पे नारियल की दुकानें हैं, होलसेल वालों की, होलसेल वाले दरवाजे हैं, हार्डवेयर वगैरह की दुकानें हैं। इन लोगों को हमने कई बार बोला कि यहाँ पर तुम लोगों का जो आए दिन का लोडिंग अनलोडिंग का कार्य तुम करते हो, तो ये रात को 10 बजे बाद सिटी का मामला है, रात को 10 बजे था, सुबह 4 बजे 3 बजे तक आप तुम्हारी गाड़ी अनलोड करके निकाल दिया करो, और सुबह तुम अमूमन सुबह लगाते हो, नारियल की गाड़ियाँ भी बड़े ओवरलोड गाड़ियाँ थी, 14 चक्का 16 चक्का गाड़ियाँ वहाँ पर लगाते हो, इधर ये दरवाजे गाड़ी भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आते हो, तो इससे क्या सुबह बच्चों का सुबह मदरसे जाने का स्कूल जाने का टाइम होता है, अब तुम अमूमन इस टाइम पे लगाते हो और उस वक्त आवक जावक का टाइम रहता है, और इसलिए घटना कभी भी घटित हो सकती है, ये हमने उनको पहले से इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, लेकिन उसके बावजूद वो लोग नहीं माने, जायदती करते हुए और आज ये घटना घटित हो गई। कौन लोग हैं ये? ये कुछ बोरा समाज के, कुछ जैन समाज के, कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन दिन की लोहार रोड पर दुकान है और पीछे इन्होंने गोदाम बना रखे हैं, अब वो पीछे खाली करवाते हैं, अब रात को खाली करा ले तब तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये सुबह अक्सर सुबह गाड़ी खाली कराते हैं, सुबह 8 बजे 9 बजे गाड़ी लगाते हैं और उसी टाइम पर सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का स्कूल का टाइम होता बच्चों का, या बच्चों का टाइम नहीं भी होता तो बच्चे घर से बाहर तो होते ही। अब बारी छोटे से ब्रेक की। 40 वर्षों से जाना पहचाना नाम रामदयाल ब्रदर्स, जहां आप पाएंगे गैस गीजर, ब्रांडेड कंपनियों की विशाल श्रृंखला, आटा चक्की, माइक्रोवेव ओवन एवं इंडक्शन चूल्हे आकर्षक छूट के साथ, तथा प्रसिद्ध कंपनियों के एयर कंडीशन जैसे लॉयड, वोल्टाज, पैनासोनिक एवं डाइकिन खरीदी पर भारी छूट। मैरिज सीजन व समर वेकेशन में ब्रांडेड सूटकेस, डफल बैग, ट्रॉली एवं स्कूल बैग पर 65% तक का कंपनी ऑफर और रामदयाल ब्रदर्स द्वारा 2-15% तक का एक्स्ट्रा ऑफर। पुराने लगेज पर एक्सचेंज ऑफर यानी सूटकेस खरीदी पर 3 ऑफर एक साथ पहली बार सिर्फ रामदयाल ब्रदर्स पर। वाटर प्यूरिफायर, आरओ केंट, एक्वागार्ड, हेवल्स, प्योराइट, ल्यू प्योर पर भारी छूट। साथ ही ऑफर मेले में ब्रांडेड गैस स्टोव में प्रेस्टीज सनफ्लेम, चिमनी में प्रेस्टीज सनफ्लेम, ग्लेन फेल्ट, प्रेशर कुकर एवं नॉन स्टिक में हॉकिंस एवं प्रेस्टीज, मिक्सर ग्राइंडर ज्यूसर की भव्य श्रृंखला भारी छूट के साथ, क्रॉकरी, डिनर सेट, स्टील यूटेंसिल, मिनरल बॉटल, थर्मस उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारे रामदयाल ब्रदर्स, अंकलेसरिया होंडा के सामने, न्यू रोड, रतलाम। माँ विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी में अपने घर का सपना करे साकार, जमा करें मकान की कीमत का 50% और बाकी पेमेंट आसान किश्तों में, वो भी बिना ब्याज और बिना बैंक फाइनेंस के।
मकान सभी साइज में उपलब्ध है। 10x40, 10x50, 15x40, 20x40, 30x50 और बंगले भी। इसी के साथ प्लॉट भी उपलब्ध है। साइट विजिट के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9179970906, 8894689899, 8871618737, 8318644057, 7000456734। ऑफिस माँ विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी त्रिवेणी कनेरी रोड न्यू झाबुआ टूलेन पुलिस लाइन के आगे रतलाम। नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा होने के बाद शहर कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष मौजूद रहे। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं के लिए संगठन स्तर पर समझाइश देने के एक साथ ही अनुशासन का पाठ पढ़ाने में लगी हुई हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया के नेतृत्व में एक कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया उपस्थित रहे। साथ ही प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, सैलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि अब समय आ गया है कि सारे कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हो और मिलकर कांग्रेस को जिताएं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, आपको अगर पार्टी ने मौका दिया है तो कहीं ना कहीं किसी का हक मारकर आपको मौका मिला, तो उसकी गंभीरता को आप समझे। और अगर आप पार्टी के साथ हर परिस्थिति में खड़े होने के लिए तैयार हैं तो मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि पार्टी भी हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। वही पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायक कांतिलाल भूरिया ने कहा कि सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता यह प्रण ले कि हमको शहर में कांग्रेस का बोर्ड बनाना है और इसके लिए अपने को जी जान झोंक देना है। टिकट जिसको भी मिले उसके लिए सभी को मिलकर काम करना है और जो कांग्रेस के लिए काम करेगा वही कांग्रेस संगठन के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, जो भी अगर कांग्रेस का वरिष्ठ आता है भोपाल से इधर से तो अपने सब आना चाहिए, कांग्रेस के आपको जवाबदार रहती है जो भी है, पर आना चाहिए, मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। छोटी मोटी बातें छोड़ो, ईगो मत पालो। ईगो में आप नेता तो है तो नेता ही रहेंगे, आपको कोई कम नहीं कर सकता। आपकी जगह आपकी जमीन मजबूत है, सब नेताओं के अपने अपने स्थान पर जमीन मजबूत है, किसी कमजोर नहीं हो सकती। इसलिए आप लोग हमेशा कोई भी बात कर लगना चाहिए कि कांग्रेस के नेता है। बैठक में कांग्रेस वरिष्ठ नेता जेम्स चाको, अनिल झालानी, युवक कांग्रेस अध्यक्ष मयंक जाट, कांग्रेस वरिष्ठ महामंत्री राजीव रावत, रजनीकांत व्यास, शांतिलाल वर्मा, यास्मीन शेरानी, प्रेमलता दव्यादी मौजूद रहे। बैठक पश्चात कांग्रेस नेताओं ने अपने नेता कांतिलाल भूरिया, डॉक्टर विक्रांत भूरिया का पुष्प माला पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मातृ एवं शिशु इकाई MCH में शुक्रवार को एक विचित्र बच्चे का जन्म हुआ है। नवजात बच्चे के शरीर पर चमड़ी ही विकसित नहीं होने से एलियन की तरह दिखाई दे रहा है। मातृ एवं शिशु इकाई MCH में शुक्रवार को एक विचित्र बच्चे का जन्म हुआ है। नवजात बच्चे के शरीर पर चमड़ी ही नहीं विकसित होने से वह किसी हॉलीवुड फिल्म के एलियन की तरह दिखाई दे रहा है। जेनेटिक समस्या की वजह से इस अर्धविकसित बच्चे का जन्म हुआ है, जिसे MCH हॉस्पिटल के CCU यूनिट में उपचार के लिए रखा गया है। MCH के डॉक्टरों के अनुसार यह समस्या जेनेटिक कारणों से होती है, जिसमें बच्चे के शरीर के अंग विकसित नहीं होते हैं या अजीबोगरीब तरीके से आकार ले लेते हैं। इस नवजात बच्चे के शरीर पर चमड़ी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से उसकी नसें पूरे शरीर पर दिखाई दे रही है। ABVP कार्यकर्ता कॉलेज के छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलने और जिले के छात्रावासों में असामाजिक तत्वों के कब्जे की शिकायत लेकर ज्ञापन सौंपा गया। रतलाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने पहुंचे ABVP कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। ABVP कार्यकर्ताओं की मांग थी कि कलेक्टर खुद उनका ज्ञापन लेने आए और समस्या सुने। करीब आधे घंटे तक कलेक्टर परिसर में नारेबाजी और धरने प्रदर्शन के बाद ABVP कार्यकर्ता ADM MLR को ज्ञापन देने को राजी हुए।
एबीवीपी कार्यकर्ता कॉलेज के छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलने और जिले के छात्रावासों में असामाजिक तत्वों के कब्जे की शिकायत लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने पहुंचे एबीवीपी कार्यकर्ता कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्या बताने के लिए अड़ गए और कलेक्ट्रेट में ही धरने पर बैठ गए। करीब आधे घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन नारेबाजी के बाद एडीएम एमएलआर ने विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझाइश दी, जिसके बाद एवीपी कार्यकर्ता एडीएम को ज्ञापन सौंपने को राजी हुए। और छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भराया, उसको लेकर जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है कि उनके जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाए, क्योंकि सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप आने वाली है और बच्चों को फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिली है। और जिले भर में ऑनलाइन वालों की मनमानी और अवैध पैसा वसूलना, बच्चा जब फॉर्म भरान जाता है जब 150 का चालान बढ़ता है तो उससे 50 रुपये अलग से लिए जाते हैं, जबकि उनका कमीशन उसमें से काट के आया जाता है। तो ये सब एक राशि तय की जाए जो कि इन सभी ऑनलाइन वालों को बताई जाए और जिसमें बच्चों से ली जाए। आज के लिए बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। शहरसराय स्थित एक दुकान के बाहर खड़े युवक से स्टेशन रोड थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान किए 15,80,000 रुपए जब्त। पुलिस कर रही मामले की जांच। तेज गति व लापरवाही के कारण फिर हुआ हादसा घटित। कुरेशी मंडी में तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक पिकअप वाहन चलाते हुए एक बाइक सवार के साथ पैदल बालिका को वाहन ने मारी टक्कर, बालिका की हुई मौके पर ही मौत, युवक गंभीर घायल। नगरी चुनाव की घोषणा होने के साथ कांग्रेस पार्टी ने पढ़ाया कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, एकजुट होकर लड़े तो नगर में बनेगा कांग्रेस का बोर्ड। मातृ एवं शिशु इकाई एमसीएच में हुआ विचित्र बच्चे का जन्म। डॉक्टर ने कहा, जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से एलिस जैसा दिख रहा बच्चा। विचित्र बच्चा बना शहर में चर्चा का विषय।